नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। तालिबान ने 20 सालां मगरों मुड़ अफगानिस्तान ते कीता कब्जा। अफगानिस्तान स्थिति ते चर्चा लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दी हंगामी मीटिंग अज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नूं अपील की कि युद्ध नाल प्रभावित अफगानिस्तान विचों 200 दे करीब सिखां समेत सारे भारतीयों नूं सुरक्षित कढ़िया जावे। केंद्र सरकार ने पैगासस जासूसी मामले की निरपक्ष जांच की मांग करदिआं पटीशनरां वल्लों लगाए गए दोषों तों इनकार किया। देश विच बीते दिन 32,937 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटों दौरान 417 मरीजों की कोरोना कारण मौत हुई। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.48% ते पहुंची। भारत में हुण तक 54,58,00,000 तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। पंजाब कैबिनेट ने 2014 विच मौसूल शहर विच मारे गए 27 पंजाबियों के परिवारक मैंबरों नूं 24 अक्टूबर 2019 तो 10,000 रुपए फी महीना गुजारा पत्ता देण नूं प्रवानगी दित्ती। कैबिनेट वल्लों पंजाब पीड़ित मुआवजा पहली सोच स्कीम 2017 दी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नूं मंजूरी। कैबिनेट ने पटियाला ते अमृतसर दे सरकारी मैडिकल कॉलेज विच सुपर स्पैशलिटी डॉक्टरां दीआं खाली प्रमोशन कोटा पोस्टां नूं सीधी भर्ती विच तब्दील करन दा फैसला कीता। सूबा कैबिनेट वल्लों लाल लकीर अंदर आउण वालीआं जायदादां नूं संकलित करन लई दी आबादी देह रिकॉर्ड आफ राइट्स नियम 221 नूं मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स खेडों में हिस्सा लैण वाले भारतीय पैरा अथलीटा ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नाल गलबात करनगे। जलंधर तो बैडमिंटन पैरालंपिक खिडारन पलक कोहली ते उसके परिवारक मैंबर भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नाल जुड़नगे। पैरालंपिक खेडों में भाग लैण वाला 54 अथलीटा का दल हुण तक का सब तो वड्डा भारतीय दल है। अफगानिस्तान विच तालिबान ने 9/11 दे हमले तो बाद 20 साल मगरों मुड़ सत्ता हासिल कर ली है। अमरीका विच होए 9/11 दे हमले तो बाद अमरीका की अगवाई वाले बलों ने तालिबान नूं सत्ता तो बाहर कर दिता सी। तालिबान ने अफगानिस्तान फौजां नाल युद्ध तो बाद आखिर काबुल विच पैलेस ते कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छड़ के भज गए ने। उन्होंने कहा कि वह मुल्क छड़ के जा रहे हैं ताकि शहर विच खून खराबा ना हो। इस दौरान मुल्क छड़न लई काले सैकड़े अफगान काबुल हवाई अड्डे ते इकट्ठे हो गए ते अफगानिस्तान विच अफरा तफरी का माहौल है। उधर तालिबान लड़ाकियां ने काबुल विच राष्ट्रपति पैलेस का कंट्रोल अपने हाथों में लैण मगरों अफगानिस्तान विच जंग खत्म होने का ऐलान कर दिता। अफगानिस्तान स्थिति की चर्चा लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की अज मीटिंग हो रही है। भारत की प्रधानगी हेठ अफगानिस्तान कौंसल की यह दूजी मीटिंग होगी। एस्टोनिया ते नार्वे ने इस हंगामी सैशन की बेनती की सी। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर एंटोनियो गुतरस कौंसल नूं ब्रीफिंग देंगे। इसे दौरान एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति नूं लैके वह बहुत चिंतित ने ते उन्हां तालिबान नूं संजम नाल चलण की अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नूं अपील की है कि युद्ध नाल प्रभावित अफगानिस्तान विचों 200 के करीब सिखां समेत सारे भारतीयों नूं सुरक्षित कढ़िया जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान विच तालिबान के कब्जे तो बाद सारे ही भारतीयों नूं उत्थों कढ़े जाण लई प्रबंध किए जाने चाहिए ने ते उन्हां दी सरकार इस काम विच हर संभव मदद देण लई तैयार है। अपने ट्वीट विच उन्हां कहा कि अफगानिस्तान दा तालिबान अगे गोडे टेकना साडे देश वास्ते चंगा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि इस नाल भारत विरुद्ध चीन अते पाकिस्तान दी गंढ तुप होर मजबूत होवेगी। उन्हां कहा कि यह सब कोई चंगे संकेत नहीं हन ते सानू अपनियां सरहदां ते होर वी ज़्यादा चौकस रहण दी लोड़ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने पिछले 7 साल दौरान काफ़ी तरक्की की है। एक टीवी चैनल वालों आयोजित सम्मेलन दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण के विस्थार खेती सिक्ख्या ते हुनर समेत कई खेतर में सुधार होया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के गुआढ़ी देशों संबंध गूढ़े करन ते भी ध्यान दिता गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 साल दौरान नेपाल का दौरा करन वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री ने। विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका के नाल 35 साल तक दुवली गलबात नहीं हुई सी। साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी अजिहे प्रधानमंत्री ने जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया।
केंद्र सरकार ने पैगासस जासूसी मामले की निरपक्ष जांच की मांग करदिया पटीशनरां वल्लों लगाए गए दोषों तो इनकार किया है। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट विच दायर हलफनामे विच कहा कि इस पूरे मामले की माहिरां दे समूह वल्लों कोख की जाएगी। केंद्र ने कहा कि वह जासूसी के दोषों की जांच लई कमेटी गठित करेगी। केंद्र सरकार ने कुछ रिपोर्टां के हवाले नाल लगाए गए दोषों नूं सिरे तो खारज कर दिता है। इन्हां रिपोर्टां विच कहा गया सी कि विरोधी धिर दे आगुआं पत्रकारां ते कुछ होरनां नूं निशाना बनाउण लई इजराइल पैगासस सॉफ्टवेयर की वरतों की गई सी। इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय विच वधीक सकत्तर वल्लों दायर दो सफ्यां दे हलफनामे विच दावा कीता गया है कि सरकार इस मसले नाल जुड़े सारे पहलुआं की घोख लई माहिरां की एक कमेटी गठित करेगी। भारत विच बीते दिन 32,937 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। लगातार 50 दिनों तो रोजाना मामले 50,000 तो घट दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे दौरान 417 मरीजों की कोरोना कारण मौत हुई। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार हुण तक कोरोना महामारी कारण 4,31,642 लोगों दी जान जा चुकी ने। बीते दिन 35,909 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक 3,14,11,924 लोग कोरोना तो ठीक हो चुके ने ते कोरोना तो ठीक होने की दर 97.48% ते पहुंच गई है। इस समय देश विच एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 3,81,947 है। देश विच हुण कोरोना दे एक्टिव मामले पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.8% रह गए ने। इस दौरान देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम लगातार जारी है। हुण तक देश भर में 54,58,00,000 टीके लगाए जा चुके ने। बीते दिन 17,43,114 कोरोना टीकों दी खुराकां दित्तियां गईयां। अज चंडीगढ़ विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट मीटिंग दौरान कई अहम फैसले लए गए। पंजाब कैबिनेट ने 2014 विच इराक दे मौसूल शहर विच मारे गए 27 पंजाबियों विचों 8 दे परिवारक मैंबरां नूं 24 अक्तूबर 2019 तों 10,000 रुपए फी महीना गुजारा पत्ता देने नूं प्रवानगी दित्ती। इन्हां 8 केसां विचों 7 केस अजिहे ने जिन्हां विच गुजारा पत्ता दा लाभ मृतक लड़कियां दे मापियां नूं मिलेगा, जदकि एक मृतक दी पत्नी नूं इह लाभ मिलेगा जो तरस दे आधार ते नौकरी लई योग नहीं सी। जिक्रयोग है कि मौसूल विच वापरी दर्दनाक घटना विच 39 भारतीयों नूं अगवा करन मगरों ISIS वल्लों मौत दे घाट उतार दिता गया सी। इन्हां भारतीयों दे अवशेष खुदाई तो बाद बरामद किए गए ते DNA टैसटां दे आधार ते इन्हां नूं भारत लिया के परिवारां दे सपुरद किया गया। इन्हां भारतीयों विचों 27 पंजाब तो सन, जिन्हां दे अवशेष 3 अप्रैल 2018 नूं पंजाब पहुंचे सन। अज दी कैबिनेट मीटिंग दौरान पंजाब पीड़ित मुआवजा पहली सोच स्कीम 2017 की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नूं भी मंजूरी दी गई। इस तहत डॉक्टरी कुताई की वजह नाल पीड़ित नूं HIV पॉजिटिव खून चढ़ाउण करके मुआवजे की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम तहत HIV पॉजिटिव खून चढ़ाउण दे दोषी कोलों ही मुआवजे की राशि वसूल की जाएगी। पंजाब कैबिनेट ने सूबे दे सरकारी मैडिकल कॉलेज पटियाला ते सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर विच सुपर स्पैशलिटी डॉक्टरां दीआं खाली प्रमोशन कोटा पोस्टां नूं सिद्धी भर्ती कोटा पोस्टां विच तब्दील करन दा फैसला कीता तां जो कोविड महामारी विरुद्ध जंग नूं मजबूत कीता जा सके। कैबिनेट वल्लों सुपर स्पैशलिटी डॉक्टरां दीआं 80 अजिहीआं पोस्टां डॉक्टर KK तलवार कमेटी राहीं भरे जाण नूं मंजूरी दित्ती गई। इस तरह यह पोस्टां हुण PPSC दे घेरे तों बाहर हो जाणगीआं। पिंडां विच लाल लकीर दे अंदर आउण वालियां जायदादां नूं संकलित करन लई मंत्री मंडल ने दी आबादी देह रिकॉर्ड आफ राइट्स नियम 221 नूं भी प्रवानगी दित्ती तां जो इन्हां जायदादां संबंधी पैदा होण वाले झगड़िआं नूं निपटाया जा सके। मंत्री मंडल ने कानूनी मशीर दे खरड़े नूं प्रवानगी देण उपरंत अंतिम प्रवानगी लई मुख मंत्री नूं अधिकारित कीता है। इसका उद्देश्य पंजाब सरकार वल्लों स्वामित्व स्कीम अधीन भारत सरकार दे सहयोग नाल पिंडां विच लाल लकीर अंदर आउंदियां जायदादां दा रिकॉर्ड तैयार करन विच सहायता करना है तां जो लाल लकीर मिशन नूं लागू कीता जा सके। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने जलंधर कैंट तो विधानकार प्रगट सिंह नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन जनरल सकत्तर नियुक्त किया है। भारतीय हाकी टीम के साबका कप्तान प्रगट सिंह नूं सिद्धू का काफ़ी नेड़ला साथी मन्या जाता है। प्रगट सिंह की नियुक्ति संबंधी चिट्ठी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट से सांझी की है, जिस विच लिखा होया है कि कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी, AICC जनरल सकत्तर संगठन KC वेणुगोपाल ते पंजाब कांग्रेस दे प्रभारी हरीश रावत दी मंजूरी नाल प्रगट सिंह नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दा संगठन जनरल सकत्तर नियुक्त करदे हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेडां विच हिस्सा लैण वाले
ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ 9 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 54 ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਮੇਂ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਏਕ ਪੱਥਰ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਉਛਾਲੋ ਯਾਰੋ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ 19 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਲਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੰਮੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਲਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਲਕ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਿੰਮੀ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਲਕ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਕ ਦੇ ਕੋਚ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਖੇਲ ਕੂਦ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਿਫਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੀਟੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਐਬਿਲਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 32,937 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 417 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.48% ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 54,58,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
कैबिनेट वालों पंजाब पीड़ित मुआवजा पहली सोच स्कीम 2017 की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नूं मंजूरी। कैबिनेट ने पटियाला ते अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज विच सुपर स्पैशलिटी डॉक्टरों दीआं खाली प्रमोशन कोटा पोस्टां नूं सीधी भर्ती विच तब्दील करन दा फैसला कीता। सूबा कैबिनेट वालों लाल लकीर अंदर आने वाली जायदादों नूं संकलित करन लई दी आबादी देह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नियम 221 नूं मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेडों में हिस्सा लैण वाले भारतीय पैरा अथलीटा ते उन्होंने परिवारक मैंबरां नाल गलबात करनगे। जलंधर तो बैडमिंटन पैरालंपिक खिडारन पलक कोहली ते उसके परिवारक मैंबर भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नाल जुड़नगे। पैरालंपिक खेडों में भाग लैण वाला 54 अथलीटों का दल हुण तक का सब तो वड्डा भारतीय दल है। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आके दिओ नमस्कार।